बहुत जबरदस्त हिट होने वाला है। मतलब आप इसके लाइन सुनिए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना, लाख रुपए की बात करे पर अकल है चार आना, बेवकूफ कहीं का, ब्लडी फूल कहीं का, तेरी मंजिल और बीवी तुझसे रूठी हुई है, धत तेरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है। डीओपी ऑफ आवर फिल्म, तो उन्होंने कहा कि कैन आई हैव दिस स्क्रिप्ट। आप सोचो, जो लड़का अभी अभी एफटीआईआई से निकल के आया है, जिसको एक बड़ी फिल्म मिल रही है, वो स्क्रिप्ट मांग रहा है पढ़ने के लिए, और उसने वो स्क्रिप्ट लेकर के उसने पूरी स्क्रिप्ट को में मार्किंग करके दिया है, तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ट्रेलर देखी मैंने युधिष्ठिर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। जी बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम युधवीर दहिया है और मैं खुश नसीब हूँ कि इनका बच्चा, एक तरह से इनकी जो फिल्म है इनका बच्चा ही है, उसके लिए मुझे चुना गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वाकई बहुत ही कमाल का किरदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली हमने कहीं डिज़ाइन किया होगा, ये हमारे आप सभी के बीच में चंदू है। जैसे सर अक्सर कहते हैं कि अरे, जैसे आप ऑडियंस ये फिल्म देखेगी कहिए अरे ये तो, अरे वो नथु की कहानी है, पड़ोस में जो है लाला जी का लड़का, वो सेम। असल में ये हम सभी की कहानी है, जिस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं कुछ अचीव करने की, खुद को साबित करने की, और मुझे लगता है खुद को नहीं, हम परिवार वालों को या अपने दोस्तों को, इस समाज को, इस दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि हाँ हम कुछ हैं, तो वो हम सभी में है। तो ये हमारी अपनी कहानी लगेगी जो भी देखेगा, और क्या उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे वो कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन जब वही किस्मत सही होती है तो आप पत्थर छूएंगे वो सोना बन जाएगा। तो वो दिखाया गया है कि पहले क्या 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 जो आसपास है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल, उसकी सोशल, सब उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं, इवन अपने भी बिल्कुल गैरों जैसा बिहेव करते हैं, पर वहीं जब वक्त बदलता है, लेकिन पता है इसमें अच्छी बात क्या होती है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई पैसा कमाना जो है एक कला है, लेकिन पैसा बचाना वो उससे भी बड़ा कला है। पैसे तो आ जाते हैं, चलिए इत्तफाकन कई बार आ जाते हैं, किस्मत से आ जाता है, लेकिन अब उस पैसे का क्या करें। तो क्या है कि फिल्म के एक हाफ में तो जैसा इन्होंने कहा, ऊंट के ऊपर बैठे हैं और इन्हें बार बार कुत्ता आके काट रहा है, इतनी खराब किस्मत है इनकी, लेकिन फिर ऊपर वाले को लगता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, बेचारा तो ऊंट पे चल रहा था, मैंने तो कुत्ते से कटवा दिया, तो कुछ भला कर दो। तो उन्होंने भला किया, बहुत भला कर दिया, लेकिन अब उसके बाद अकल तो होनी चाहिए कि उस भलाई को आप कैसे संभाल के रखो। अब वो संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, और क्या होता है, चंदू से पूछिए, ये तो वही बताएगा। बिल्कुल, मैं कहूँगा मुझसे भी कि पूछे, आप लोग खुद जाइए, आप लोग जाइए पूरे परिवार के साथ में जाइए, अपने दोस्तों को लेके जाइए, बहुत मजा आएगा फिल्म में, आप अलग से दिमाग को रखे जाइएगा और आप देखिए कितना आपको, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। फिल्म की कास्टिंग को लेके बात करते हैं, मतलब जो आपने कलाकार चुना है जो कैरेक्टर्स के लिए, बिल्कुल ये पहली चॉइस क्यों? नहीं नहीं, ये हम जरूर बताना चाहेंगे। देखिए, कोई भी एक राइटर होता है, वो एक एक कैरेक्टर लिख देता है, अब उस कैरेक्टर को जीने के लिए उसको एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है, जो डायरेक्टर ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि राइटर का काम तो ख़त्म हो गया, उसने तो कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है, तो एज अ डायरेक्टर वो मेरे क्रिएट किए हुए कैरेक्टर के लिए हमको एक अच्छे एक्टर की तलाश थी। बहुत जगह भटक रहे थे, कोऑर्डिनेटर से बात किया, कास्टिंग एजेंट से बात किया, दोस्तों यारों में बात किया, बात ही नहीं बन रही थी, और फिर मेरे एक मित्र ने कहा कि उनका एक मित्र है जो कास्टिंग एजेंट है, जो किसी लड़के को जानता है और मिलाना चाहता है। तो पहला ख्याल यही गया, यार थक गए हैं यार, नहीं है यार, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मिल लेते हैं, इसी ख्याल से गए थे मिलने के लिए। जब इसको मिले तो कहीं एक वो क्लिक हुआ कि यार चंदू तो ये दिख रहा है, मेरा कैरेक्टर ये दिख रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, बट काम आता है क्या। तो इसे बात करना शुरू किया, पता चला थिएटर बैकग्राउंड है, तो वो एक एक चीज़ कहते हैं एक्टर्स इंटेलिजेंस, वो थिएटर एक्टर्स में होता है, तो शायद यही फ़र्क है एक थिएटर एक्टर में और एक नॉर्मल एक्टर में। एक्टर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन थिएटर एक्टर के पास ना वो एक्टर्स इंटेलिजेंस होता है, तो वो भी यकीन हो गया कि यार इसके पास वो भी है। तो मैंने इसको कहानी सुनाई, कोई आई थिंक 40-45 मिनट्स का वो नरेशन था, और उस कहानी के बीच बीच में इसने इम्प्रोवाइजेशंस ऐड करने शुरू किए, लेकिन आई रियलाइज कि एक भी इम्प्रोवाइजेशन उसमें से
कैरेक्टर से बाहर जाके नहीं था। आमतौर पे क्या होता है, लोग कैरिड अवे हो जाते हैं कई बार डायरेक्टर को इंप्रेस करने के लिए, वो कुछ भी इंप्रोवाइज करते हैं, बट एक भी इंप्रोवाइजेशन इसका कैरेक्टर से बाहर नहीं था। तब हमने कहा भैया इसका ऑडिशन मिल जाए, मुझे तो यकीन हो रहा है कि ये कर लेगा। और फिर इनको ऑडिशन के स्क्रिप्ट्स भेजे, बाकी यही बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया ऑडिशन में। जी बिल्कुल, मुझे कहानी सुनाई तो उसके एक डेढ़ हफ्ता हो गया, कुछ नहीं आया मुझे कॉल वगैरह, तो मैंने तो आज छोड़ दी थी। फिर जब मेरे पास सर का कॉल आया कि हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं, लुक टेस्ट वगैरह, ऑडिशन जो इन्होंने स्क्रिप्ट भेजी के 3 सीन इन्होंने भेजे थे, सो मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए। और उन पहले इन्होंने कहा था कि आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं क्या, लेकिन मैंने वो सही नहीं समझा, क्योंकि जब आप घर में करते हो और फिर आपको प्रॉपर क्यू देने वाला भी बंदा चाहिए, फिर लाइटिंग और कैमरा, वो सब एक माहौल होता है, वो मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलके और तब मैं ऑडिशन करना चाहूँगा। तो फिर हम मुलाकात हुई हमारी, और 3 अलग अलग सिचुएशन के इमोशन के सीन मैंने किए, और उस वक्त सर का जो पूरा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मैं समझ गया था कि हाँ मेरा काम अच्छा लग रहा है। और मैंने जो सीन में था वो तो रखा ही, लेकिन उसके अलावा भी मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया, कुछ ना कुछ अपनी लाइंस डाली, और ओवरऑल उसमें कैरेक्टर में आप आगे जब करते हो तो हाँ। तो मैंने कहा इसके बाद लाइन का, बोला नहीं नहीं भूल जाओ लाइन, जो बोल रहे हो बोलो बोलो बोलो, बढ़िया हो रहा है, भूल जाओ लाइन, यही जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। सो वो 3 सीन अलग अलग हुए। और कई बार हम होते हैं कि भाई अगर हम सही सिचुएशन पे आएंगे, जैसे लोकेशन पे आएंगे, तो हम और भी बेटर करेंगे। तो मैंने सर को बताना चाहा, सर ऑफकोर्स इन्होंने भी थिएटर किया हुआ, इनको भी पता है कि इन्होंने समझा वो कि हाँ ऑफकोर्स जब हम रियल लोकेशन पे जाके इन सीन को करेंगे तो और भी कई 2-3 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर इन्होंने बस वो जो भी स्पार्क इन्हें नज़र आया मुझ में, और उसी दिन इन्होंने कहा आप ही कर रहे हैं। और फिर इसने बहुत पैसे मांग लिए अब भाई छोटी सी फिल्म बना रहे, इतने पैसे कहाँ से लेके आए। लेकिन 2 बार जब बैठ करके आमने सामने बात की है तो इसको भी लगा कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा तो मैं कम कर सकता हूँ। तो बट यस, बहुत कमाल का काम किया बंदे ने। हमारी हीरोइन नजर आ रही है, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। हमारी हीरोइनें बड़ी बिजी है भाई, वो ऑलरेडी उनको इतने काम मिलने लगे हैं, गॉड ब्लेस, भगवान उनको और काम दे, बहुत अच्छा काम दे। कल ही हमारे साथ थी, कल हम अहमदाबाद गए थे तो कल ही हमारे साथ थी, एंड दोनों लड़कियां दे आर सुपर। देखिए एक कास्टिंग के बारे में हम आपको एक बात बताएं, आपका 50% काम हो जाता है अगर आपको बॉडी लैंग्वेज मिल गया। एंड मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर को ना लाइनें याद करके बोलना वो आखिरी चीज होती है। लाइनें याद करके तो वो चाय वाला जो लड़का आता है ना छोटू, वो भी कर लेगा, लाइन याद करके वो भी बोल लेगा, आप उसको बोलो मैं 10 रुपया दूंगा लाइनें सारी, वो बोल लेगा। लेकिन उसके पहले का जो होता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज आपका क्या होगा, आप किस तरह से चलोगे, कैसे उठोगे बैठोगे, आप पलके कैसे झपकाओगे, ये सारी चीज़ें, जैसे ही आपको कैरेक्टर में वो सारी चीज़ें दिखती है आपका आधा काम तो हो चुका है। और हमको वो दोनों लड़कियों में, आई टेल यू, दोनों कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। वैष्णवी ने तो खैर काफ़ी काम किया, उसने साउथ की फिल्में वगैरह की हैं, लेकिन मानसी जो है दूसरी, वो बहुत प्यारा कैरेक्टर है उसका, मिनी का रोल कर रही है, और उसने भी मतलब बहुत अच्छे से मतलब निखर के आई है बाहर, बहुत बहुत प्यारा काम किया। वो ग्लैमरस जो चाहिए था वो था, और मिस दिल्ली वो ऑलरेडी मिस इंडिया दिल्ली रह चुकी है, थिएटर से भी हैं वो, तो वो चीज़ वही बिल्कुल सर ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज वो सब हो गई, लाइंस बोलना अलग बात होती, लेकिन जहां आपको बॉडी लैंग्वेज नजर आ गई, फिर जो लाइनों का जो प्रॉपर एक जो सुर होता है कि किस पिच पे कौन सा क्या डायलॉग बोलना है, उसकी रिदम क्या रहेगी, वो सारी चीजें नजर आ जाती है तो काम हो जाता है। ब्यूटी विद ब्रेन्स है दोनों के, तो ये पता है, अगर मैं गाना शुरू करूंगा ना तो आप कैमरा ना सिर्फ बंद करेंगे बल्कि कैमरा शायद मेरे सर पे मार के चले जाएंगे कि इसके लिए बोला था। मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली जो है ना, वो सब म्यूज़िक बैकग्राउंड वाले, तो कहीं म्यूज़िक की समझ है। गाने नहीं आता है, इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक की समझ है। तो आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि जब इसके लिए हमने गाने ढूंढने शुरू किए, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े दिग्गज बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों से बातचीत हुई और सबने मुझे कहा, बिकॉज सब जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि
स्टूडियो आ जाओ, बैंक है, तुम सुन लो, जो तुमको पसंद आए तुम्हारा हुआ। कहीं हम वो नहीं चाहते थे कि भाई हमको किसी के बैंक से निकाला हुआ नहीं चाहिए, हमको कस्टम चाहिए, मेरी फिल्म में मुझे इस तरह का चाहिए। तो मैंने न्यू कमर्स को देखना शुरू किया और वैसे ही न्यू कमर्स को देखने में एक पहचान का लड़का मिला, गोल्डी, और उसको हमने कहा कि हमको एक गाने की सिचुएशन दी हमने, हमने कहा इस पे बना के दो। उसने कहा कि लिरिक्स, मैंने कहा जो तुम्हारे दिल में आए तुम लिख लो, हमको नहीं पता था वो लिरिक्स भी लिखता है। मैंने कहा जो तुम्हारे दिल में आए लिख लो, तुम एक गिटार लेके उसको स्ट्रम करते हुए हमको ट्यून सुना दो या हारमोनियम पे सुना दो, मेरे लिए बहुत है, हमको समझ में आ जाएगा मज़ेदार चीज़ है कि नहीं। उसने एक्चुअली एक गिटार पे अपने वर्ड्स डाले और उसने हमको वो स्क्रैच भेजा। और आप गाने सुनो, आप गाने सुनो, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब वो रॉनेस है गाने में। अगर अगला, मैं आपको चांदनी बार की एक बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी प्यारी सी बात है। राजीव रवि की पहली फिल्म थी, उन्होंने जस्ट अभी अभी FTII से वो बाहर आए थे, DOP हमारे सिनेमाटोग्राफर। उन्होंने आते ही जब आर मोहन ने उनसे कहा कि वी आर कंसिडरिंग यू एज द DOP ऑफ आवर फिल्म, तो उन्होंने कहा कि कैन आई हैव द स्क्रिप्ट। आप सोचो, जो लड़का अभी अभी FTII से निकल के आया है, जिसको एक बड़ी फिल्म मिल रही है, वो स्क्रिप्ट मांग रहा है पढ़ने के लिए, और उसने वो स्क्रिप्ट लेकर के उसने पूरी स्क्रिप्ट को में मार्किंग करके दिया, यहाँ पे मैं इस तरह की लाइटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ ऐसी करना चाहता हूँ, यहाँ मैं फिल्म का टोन ऐसा है। उसने 4-5 दिन लिए, लेकिन ये सब करके दिया। हम उसी तरह से कहेंगे गोल्डी के लिए, जिसने हमारा म्यूजिक दिया है, उसने उस किस शहर की कहानी है, उस शहर को उसने समझने की कोशिश की कि वहाँ का रिदम कैसा होगा, वहाँ का म्यूजिक कैसा, वहाँ के शब्द कैसे होंगे। सारे गाने उसने गाए हैं, सारे लिरिक्स उसने लिखे हैं, सारा म्यूजिक उसने दिया है। लेकिन आप सुनो, इसने तो खैर सुने ही, इसने तो खैर उसमें काम ही किया है, जस्ट आस्क हिम कि कैसा है म्यूजिक। नहीं, बहुत कमाल का म्यूजिक है, और एकदम आप पहली बार वो स्क्रैच ही शायद सुनाया था सर ने, और कमाल का मतलब लगा था, जो एक रिदम चाहिए, वो एक पकड़ चाहिए, मैं बैठे बैठे झूमने लग गया था। सो इसमें 2-3 गाने हैं और तीनों ही जो सिचुएशनल जो बनाए हैं, वाकई एक में हल्का सा के धत तेरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है, धत तेरी धिंग कदा धिंग। तो ऐसे छोटे शहरों में जो बजेगा, एक कमाल बजेगा ये, देखिएगा आप। और फिर एक पार्टी सॉन्ग है, वो भी कमाल है, वो बहुत जबरदस्त हिट होने वाला है। मतलब आप इसकी लाइन सुनिए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, लाख रुपए की बात करे पर अकल है 4 आना, बेवकूफ कहीं का, ब्लडी फूल कहीं का, तेरी मंजिल और बीवी तुझसे रूठी हुई है, धत तेरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है। अब इसकी तरह हम गा के नहीं, हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं यही गाने में, ठीक है भाई, बिल्कुल। एंड आई होप, आई प्रे कि भाई आप लोग फिल्म देखो यार, बहुत मजा आएगा, निराशा नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत से बनाई हुई फिल्म है, और हम सबके बीच की ही फिल्म है ये, हमारी दुनिया, हर कोई रिलेट करेगा इससे, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा, ये वाकई देखिए।